हाँ तो बेटे, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो एक्चुअली अपना कल का एक्सटेंडेड पार्ट है। कल हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था और कुछ रिलेशंस पढ़े थे हमने करंट डेंसिटी वगैरह के, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज अपना लेक्चर नंबर 3 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का लेक्चर नंबर 3। दो लेक्चर हम कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में आप सभी को पता है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है रेजिस्टेंस क्या होता है। हम रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो एक बेसिक बात मैं आपको बता दूं, मान लें अपने पास ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ मान लें मैंने एल है, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया ए है। तो हमें एक सिंपली बात पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना किसी भी कंडक्टर का, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर की, उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। वायर जितनी मोटी होगी, कंडक्टर जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें उतना ही आसानी से करंट पास हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप कंबाइन करते तो हम इसको लिखते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, मैंने इसको ऐसे लिखा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमें पता है यहाँ कॉन्स्टेंट यूज़ करें तो आर इज इक्वल टू, एक कॉन्स्टेंट यूज़ करा हमने रो, रो एल बाई ए। जो ये रो है इसी को बोलते हैं हम क्या, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको हम, इसी रो को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये जो रेजिस्टिविटी है यहाँ से, जो ये कॉन्स्टेंट हमने यूज़ करा है ये रेजिस्टिविटी है, तो ये इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, आर ए बाई एल हो जाएगा। अगर आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालो तो आर ए बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिक बात ये है कि जो रेजिस्टिविटी है इस रिलेशन के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो एरिया पर डिपेंड करती है, लेंथ पर डिपेंड करती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो किसी कंडक्टर के ना तो एरिया पर डिपेंड करती ना उसकी लेंथ पर डिपेंड करती, मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन दी डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। डायमेंशंस में क्या क्या आ गया, लेंथ आ गया और एरिया आ गया, उसकी शेप आ गई, लेंथ आ गया, एरिया आ गया, मतलब उस पे उसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब है एक वायर है, चाहे वो 1 मीटर की वायर है चाहे वो 10 मीटर की वायर है, रेजिस्टिविटी दोनों वायर ही क्या रहेगी, सेम कंडीशन क्या आएगी, दोनों का मटेरियल सेम होना चाहिए, मतलब दोनों या दोनों कॉपर की हो दोनों सिल्वर की हो, मतलब उनका मटेरियल सेम होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन अराइज होता है, एक तो इसकी एसआई यूनिट मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी अपने पास, ये क्या होगा रेजिस्टेंस ओम, एरिया क्या होगा मीटर स्क्वेयर, बाई में लेंथ क्या होगा मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी अपने पास, ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है, बेसिक बात। दूसरा, मुझे इसकी एग्जैक्ट फॉर्म चाहिए रेजिस्टेंस की, ये रेजिस्टिविटी यहाँ से मैं ये बता रहा था, ये यहाँ से कि जो रेजिस्टिविटी है ना वो ना एरिया पर डिपेंड करती ना लेंथ पर डिपेंड करती। कई बार बच्चे सोचते हैं सर डिपेंड कर तो रही है, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनवर्सली टू लेंथ है, ऐसा नहीं होता। ये कब होती, जब रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है। अब रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं है, एक बात को समझ के चलो, अगर मान लिया मैं एरिया डबल कर देता हूँ, अगर मान लिया एरिया हमने डबल कर दिया, एरिया कर दिया हमने डबल, अगर मैं एरिया डबल करूं तो हमें पता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर एरिया डबल कर दिया तो यहां से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब अगर ये एरिया डबल करोगे, रो इज इक्वल टू आर, एरिया मैंने डबल कर दिया 2a बाई में एल, अगर एरिया डबल करोगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा ये, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा आर ए बाई एल, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो ये अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है किसके ऊपर नहीं करेगा उसका पता कैसे लगेगा हमें,
देखो बेटा, मैं इसका एग्जैक्ट रिलेशन आपको बताता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशन जो आपने रेजिस्टिविटी का रिलेशन याद रखना है। क्या हुआ देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कल, कल वाले लेक्चर के अंदर जब हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, कल वाला लेक्चर देखना जाए ध्यान से। मैं जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई थी आपको, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी अपने पास एम एल ओवर एन ई स्क्वेयर टो ए, ये वैल्यू आई थी जो मैंने कल करा था, कल जो मैंने करवाया था आपको डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, उस वीडियो में जाके दोबारा देखना बेशक। आर की वैल्यू ये आई थी अपने पास। अगर इस वैल्यू को थोड़ा आप ध्यान से देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम ओवर एन ई स्क्वेयर टो इंटू एल बाई ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन को अगर आप कंपेयर करो, इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ इसके साथ, कंपेयर करूँ इस इक्वेशन के साथ, तो एल बाई एल बाई ए, तो ये क्या है रेजिस्टिविटी, तो ये क्या होगी रेजिस्टिविटी। इसका मतलब यहाँ से रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आई, एम और में एन ई स्क्वेयर टाउ के इक्वल आई है। ये इसका एग्जैक्ट रिलेशन है, रेजिस्टिविटी का एग्जैक्ट रिलेशन है। इस रिलेशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, कहीं पर भी एरिया नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर भी लेंथ नहीं मिलेगी। इसका मतलब रेजिस्टिविटी ना तो एरिया पर डिपेंड करती, ना लेंथ पर डिपेंड करती, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने प्रूव कर दी यहाँ से कि इस पर डिपेंड नहीं करती किसी पे एरिया, उस पर डिपेंड नहीं करेगी ना लेंथ पर ना एरिया पे, मतलब डायमेंशन भी डिपेंड नहीं करेगी। तो डिपेंड किस किस के ऊपर करेगी, इस रिलेशन के हिसाब से हम पढ़ते। देखो आप ध्यान से इस चीज़ को देखो, रिलेशन मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या है, अपने पास एम और में एन ई स्क्वेयर टो के इक्वल आया है, ये अपने पास रिलेशन आया था। तो इस रिलेशन के हिसाब से रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगी। देखो ये एम एम तो हो गया एक तरीके से मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया एक तरीके से। एन का मतलब क्या है यहाँ पर, एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टाउ का मतलब क्या है, यह है रिलैक्सेशन टाइम, जिसने कल वाला लेक्चर पढ़ा था, परसों वाला लेक्चर पढ़ा था, उसको पता होंगे टर्म्स हैं क्या क्या, ठीक है। ई का मतलब चार्ज होने इलेक्ट्रॉन, अब ना तो एम चेंज होने का इलेक्ट्रॉन का मास, ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज होने का, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, एक रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, दो फैक्टर में डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये जो दो फैक्टर हैं आपके पास यहाँ से, इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, लेकिन अभी मैं केवल मेटल के लिए एक बार आपको थोड़ा बता देता हूँ। मेटल के लिए तो मैं आपको बता दूँ, फॉर मेटल मैं केवल मेटल का केस करवा रहा हूँ आपको, मैं आगे जाके आपको मेटल का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का, तीनों केस आपको करवाऊंगा मैं। तो यहाँ से मैं एक बार बता दूँ, जो मेटल होते हैं ना, मेटल के लिए नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होती है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मेटल है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मतलब एन ज़्यादा होगा। अगर एन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी इसकी, कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होती है, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी ना वो बेटर कंडक्टर होता है। तो मेटल है, मेटल बेटर कंडक्टर क्यों है, मेटल एक अच्छे कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। दूसरा है मेटल के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर मेटल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टिविटी पे। तो बेटा एक सिंपली बात आप लोगों को पता है, मैंने एक बात बता रखी है आपको, जो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, कल वाले लेक्चर में बताया था, परसों वाले में। टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। और दूसरा मैंने यहाँ पे बताया कि जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, वो किसके लिए ध्यान रखना, वो मैं केवल मेटल के लिए बता रहा हूँ, ये जो रिजल्ट बताया केवल मेटल के लिए, सभी के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। मतलब कंडक्टर के, मेटल बोल दो या फिर कोई कंडक्टर बोल दो, ये केवल उनके लिए है, ये ना सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड है और ना ही ये रिजल्ट इंसुलेटर के लिए वैलिड है, ध्यान रखना। तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करूं, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओ, टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो रिलैक्सेशन टाइम
डिक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इनक्रीज करेगी। कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल क्या कर जाएगी आपकी, इनक्रीज कर जाएगी। मेटल के केस में बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। एक तरीके से मेटल के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ रेजिस्टिविटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी इन दोनों रिलेशन के हिसाब से। ग्राफ वगैरह इसके बाद में करेंगे। यहाँ पे एक और टर्म आती है, उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। हमने देखो दो टर्म है, एक तो कल हमने पढ़ी थी मोबिलिटी, एक टर्म आज हम पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या है? करंट डेंसिटी एक तरीके से होगा बेटा, एक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया होता है किसी कंडक्टर से। एक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ भाई कि भाई अमाउंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ मैं, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया कितना करंट फ्लो करता है उसको हम उसकी करंट डेंसिटी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो करंट इसके अंदर से जाएगा वो परपेंडिकुलर टू एरिया होना चाहिए। जब आप बुकलेट में डेफिनेशन देखोगे आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाएगी, आपको वहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए कि जो एरिया है वो डायरेक्शन ऑफ, मतलब जो एरिया आएगा ना जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करें, जे इज इक्वल टू होगा आई बाई ए, मतलब आई बाई ए अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर। गिवन कंडीशन है दिस एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए करंट, ये कंडीशन मस्ट है, जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है। बट हमें पता बेटा आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है, कल पढ़ा था हमने रिलेशन। तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करो तो जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पुट करो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये होगा अपने पास एन ई वी डी। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड के साथ इसका रिलेशन बन जाता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि एक रिलेशन बताओ करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, तो ये रिलेशन आ गया अपने पास यहाँ से। ऐसा यूनिट क्या बनेगी इसकी, ऐसा यूनिट अगर ध्यान से देखो तो ऐसा यूनिट बनेगी इसकी, वही एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर बन जाएगी। नीचे एरिया है, क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना आप लोगों ने, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका मैं एक एक रिलेशन और बताता हूँ, ये रिलेशन आप लोगों ने डायरेक्ट ध्यान रखना, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए होता है ये पॉइंट, ये बात आप लोगों ने अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। जे डॉट ए मतलब डॉट करंट जो होता है ना, करंट डॉट प्रोडक्ट होता है करंट डेंसिटी और एरिया का। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू जे ए कोस थीटा। मैं डायग्रामेटिकली नहीं बता रहा इस बात को, आप केवल ध्यान रखो इस चीज़ को, अपने यूज में बहुत कम आती है तो ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है, आपसे ये रिलेशन एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कई बार, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, करंट डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन बताओ क्या होगा। अब हमें पता बेटा करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू क्या होता है आई बाई ए, और आई किसके इक्वल था एन ई ए वी डी बाई में ए, ए से ए कैंसिल, तो जे इज इक्वल टू कितना आया था एन ई वी डी आया था ये रहा। बट हमें पता बेटा वी डी किसके इक्वल होता है, वी डी इज इक्वल टू होता है ई कैपिटल ई टो बाई में एम, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो जे इज इक्वल टू कितना आ गया एन ई वी डी, वी डी मतलब ड्रिफ्ट स्पीड, तो कितना आया अपने पास ये ई कैपिटल ई टो बाई में एम। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देख पाओ तो जे इज इक्वल टू कितना होगा एन ई स्क्वेयर ई बाई में एम इंटू टो होगा। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास जे का और टो का, रिलैक्सेशन टाइम का। यहाँ से क्लियर है, ध्यान रखना
कि जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट हमें पता भी जो रिलैक्सेशन टाइम वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो करंट डेंसिटी क्या होगी, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैं ये पॉइंट भी साथ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटे, ये रिलेशन हो जाएगा, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान रिलेशन है। अब एक टर्म आती है कंडक्टेंस, एक तो होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एक्चुअली में क्या होता है, कोई बड़ी टर्म नहीं, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ये तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर आते हैं ये टर्म, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, सेल वगैरह चैप्टर पढ़ोगे, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपकी केमिस्ट्री के अंदर आएगा ये कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, रेसिप्रोकल ऑफ आर होता है, मतलब 1/R होता है ये, आर मतलब रेजिस्टेंस। और इसकी जो यूनिट बनेगी ना, वो यूनिट क्या बनती है इसकी, जिस तरह रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी अपने पास, महो होगी। स्पेलिंग उल्टी कर देते हैं इसकी हम, MHO, OHM की बजाय MHO कर देते हैं, या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं ओम इनवर्स, ओम का सिंबल होता है ये। एक टर्म आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये छोटी छोटी रिलेशन है तीन चार, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है एक टर्म। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये होती है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, मतलब इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी क्या थी, रो रेसिप्रोकल होता है इसका, ठीक है, मतलब बट हमें पता है उससे रेजिस्टिविटी किसके इक्वल थी, जो हमने रिलेशन पढ़ा था जब रेजिस्टिविटी का, वो क्या था, एम और में एन ई स्क्वेयर टाउ था, ये रिलेशन था रेजिस्टिविटी का जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहां से कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन बनेगा, एन ई स्क्वेयर टाउ और में एम बनेगा, ध्यान रखना ये बनेगा। और यहाँ से क्लियर है कि जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है, और रिलैक्सेशन टाइम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और कंडक्टिविटी क्या होगी इसका मतलब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सब जो कोई भी कंडक्टर उसकी कंडक्टिविटी घटेगी, उसमें कम करंट पास होएगा, क्यों होएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो करंट कम पास करेगा, करंट कम पास करेगा इसका मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करो ना, कंडक्टिविटी या ग्राफ टेम्परेचर के साथ, तो इनवर्सली आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेटल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है के लिए, ये मेटल के लिए है, फॉर मेटल्स बोल दो या कोई भी कंडक्टर बोल दो किसी और कंडक्टर के लिए, ठीक है। अब एक रिलेशन है अपने पास, ये दो रिलेशन है एक्चुअली में, अब जो मैं करवाऊंगा आपको छोटे छोटे दो रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों रिलेशन, ये वाला खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको मैं करवाऊंगा। इसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखो एक्चुअली में इसको हम बोल देते हैं रिलेशन है, ये रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों का रिलेशन है ये। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होते हैं, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये हमें प्रूव करना, ये रिलेशन हमें प्रूव करना, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ही रिजल्ट है ये, ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, ये भी ओम्स लॉ था, ठीक है, ये भी ओम्स लॉ है, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, कुछ छोटी टर्म्स की रिस्पेक्ट में है, ये बहुत आसान है। देखो हमें पता है बेटा आई इज इक्वल टू, हमें पता है एन ई ए वी डी होता है, और आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी किसके इक्वल होता है, वी डी होता है अपने पास ई कैपिटल ई टो बाई में एम ड्रिफ्ट स्पीड। ई को मैं अगर नीचे ले आता हूँ यहाँ पे इधर,
इसको सॉरी ए को, ए को अगर मैं नीचे ले आऊं तो आई बाई में ए इज इक्वल टू कितना होगा, ये एन ई स्क्वेयर ई इंटू स्क्वेयर ई टाउ बाई में एम हो जाएगा। ये क्या है आई बाई ए, ये तो करंट डेंसिटी है। इसको आप क्या लिख सकते हो, एन ई स्क्वेयर टाउ बाई में एम इंटू में ई लिख सकते हो। ये क्या है अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो मैंने अभी आपको बताया था ये तो करंट डेंसिटी है, सॉरी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एन ई स्क्वेयर टो बाई में एम, एन ई स्क्वेयर टो बाई में एम, तो ये किसके इक्वल है, ये तो कंडक्टिविटी है, तो इसको क्या लिखो, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई हो जाएगा। यही तो वैल्यू हमें निकालनी थी, ये रिलेशन बताना था किसका, करंट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक रिलेशन और है, उसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, लास्ट रिलेशन है आज का ये, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी मैंने कल करवाई थी आपको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी का रिलेशन है, ये रिलेशन आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग। तो मोबिलिटी को हमने म्यू से रिप्रेजेंट करा था कल, मैंने आपको ये बताया, देखो जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई बाई ए, बट जे इज इक्वल टू सिग्मा ई भी होता है, जो हमने अभी प्रूव करा है, ये प्रूव करा मैंने, जे के दो रिलेशन आ गए। इसका मतलब है सिग्मा ई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, आई बाई ए के इक्वल हो गया। ठीक है, अब सिग्मा ई इज इक्वल टू आई को क्या लिखोगे आप, एन ई ए वी डी बाई में ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा ई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, अपने पास ये आ गया एन ई वी डी के इक्वल आ गया, बट वी डी इज इक्वल टू म्यू ई होता है। ध्यान अगर आपको याद हो तो मोबिलिटी के साथ रिलेशन होता है, मोबिलिटी होती क्या थी, मोबिलिटी क्या थी, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई होता है। मैंने कल का जो लेक्चर था आपका, उसके अंदर आपको मैंने ये वैल्यू बताई थी करंट डेंसिटी की, वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कल वाले लेक्चर के अंदर। तो वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, तो कितना आ गया मेरे पास, सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई म्यू कैपिटल ई, ई से ई कैंसिल, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया, एन ई म्यू आ गया। तो ये तो कंडक्टिविटी के साथ मोबिलिटी का रिलेशन आ गया अगर आप पूछो इसको, बट हमें पता है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, वन बाई रो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो यहाँ से अगर आपसे कंडक्टिविटी के बारे में पूछे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं सॉरी रेजिस्टिविटी के बारे में वन बाई में एन ई म्यू लिख सकते हैं इसको हम, मतलब ये तो रिलेशन आ गया रेजिस्टिविटी का करंट डेंसिटी के साथ, ये रिलेशन किसका था, कंडक्टिविटी का करंट डेंसिटी के साथ, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है दोनों में से। ठीक है बेटे, ये चार या पांच रिलेशन मैंने आपको करवाए हैं, ये प्लीज़ आप लोग कर लो अच्छे तरीके से। कल फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा आपको, टेम्परेचर डिपेंडेंस करवाऊंगा रेजिस्टिविटी का, कि रेजिस्टिविटी वो मैंने आज केवल मेटल मेटल के बारे में बताया, कल मैं आपको कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, सेमीकंडक्टर के, तीनों के बारे में बताऊंगा। तो आप आज लोगों ने यही काम करना बेटे, थैंक यू वेरी मच।